नहीं पड़ेगा ये बदलने वाले लोग मैं तो जानता हूँ। हाँ हाँ साहब को चले गए वहां इसका इंतजार करो। एक बार पर दे रहे हो आप उसे के बाद हम तक इंतजार करते हैं और ताली भी बजेगी और इतनी नोटिस भी होगी और ऑनलाइन एग्जाम भी होगी। मुझे लग रहा है कितना टोटल गया होगा देना पड़ेगा दूसरा डोज देना पड़ेगा। ये नाम तो चेहरे बता रहा मुझे लग रहा है दूसरा डोज देना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं अगर इतना बैंक फुट पे जा सकते हैं तो दूसरा क्या बूस्टर स्पष्ट बात यह है निर्णय कुछ लिया है लड़ाई तो अंदर से आपका जमीन जीत चुका है आपकी ताकत जीत आपके निर्णय जो अभी आपके रजिस्ट्रार आपके सामने स्पष्ट कर देंगे परंतु इस परीक्षा के पहले आपने जो लड़ाई जीती है ये 500-600 की संख्या ये 4 साल के बाद कोई ऐसा आंदोलन है लगातार प्रयागराज पुलिस प्रशासन की 3-4 पीएससी गाड़ियां ली है। आंदोलन ने न सिर्फ आपको निर्णय अभी देने वाला है इस आंदोलन ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का कद भी बढ़ाया है। आपका बेटा अगर 3 लाख रुपए से नाम लिखने का आप उसको दे देते हैं तो क्या मेरे भाई बाप ने किसानी करके 1200 का जूता नहीं बना सकते हैं? मेरा भाई 1000 की शर्ट नहीं पहन सकता है क्यों नहीं पहन सकता? तो आज की जो लड़ाई हम जीत रहे हैं आखिर स्पष्ट होगा मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरा सिद्धांत अलग है। स्पष्ट प्रशासन करेगा मैं लड़ूंगा जब तक स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक। तो लड़ाई वाले लोग सुन रहे हैं लगातार हम इन्होंने अब उनको मत देखो कौन है पहचान दो इन्होंने मुझे कहा था कि तो 3 बजे तक तुम बहन को तुम्हें पॉजिटिव परिणाम मिलेगा। मैंने कहा सर आपसे ही उम्मीद है जितना आप प्रशासन को चाप देंगे उतना ये लोग चप जाएंगे। अगर आज अभिषेक द्विवेदी अकेले यहाँ बैठता तो हो सकता है मुझे लोग जेल भेज देते गिरफ्तार कर लेते लेकिन अभिषेक द्विवेदी एक नहीं है यहाँ 600 अभिषेक द्विवेदी आंदोलन जेल भरो आंदोलन हो जाएंगे आंदोलन हो जाएंगे और जैसे रजिस्ट्रार अभी आ रहे हैं ना आप मेरे सर मेरे पक्ष में आ गया क्या
अरे यार बतावट तो है, बात नहीं समझ बतावट डाल दे यार, इतना भाव है कि मैं यार 2 साल पहले आज आपके सामने बोल रहा हूँ, पसीना इसलिए आ रहा है, खाया पिया नहीं हो, नींद भी आ रही है, तो ये मत सोचिए डर था आप लोगों से, डरते नहीं तो मेरे भाई डरेगा आपसे कौन मांगे जाएगा।